तो फाइनली क्रिकेट 19 का अपडेट आ ही गया। पूरे 2 साल बाद एक अच्छा वाला अपडेट यहाँ पे आ गया है। अच्छा वाला इसलिए कहूँगा क्योंकि मतलब अपडेट तो वैसे आता जाता रहता है, इनका काफ़ी फ्रिक्वेंट है, 6-7 महीने में आ जाता है, ठीक है, पर वो बग फिक्सेस वगैरह वगैरह ही होता है। पर इस बार बहुत अच्छे वाला अपडेट है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम के यहाँ पे लाइसेंस प्लेयर ऐड हो चुके हैं और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। लेट्स रोल इन द ऑफिशियल गेम ऑफ एशेज क्रिकेट 19। ऐसा लग रहा है कि पहली बार इंस्टॉल करके खेल रहे हैं। तो गाइस सब हम होम स्क्रीन पे आ गए। ओ नाइस, सीपीएल कैरेबियन प्रीमियर लीग, वेस्ट इंडीज लोगों का आईपीएल, ठीक है। पूरा बॉय पोलार्ड का चेहरा देखो भाई, एक बारी के लिए असली वाले को मैं नकली बोल दूंगा पर इसको नहीं बोल पाऊंगा। क्या सही चेहरा बनाया भाई, ओहो भाई मजा आ गया यार, ये तो एकदम सेम टू सेम है। चलो भाई ये तो हमने देख ली, और इन्होंने और भी प्लेयर्स डाले, शायद इंग्लैंड में डाले होंगे। इंग्लैंड का स्क्वाड मैं एक बार देख लेता हूँ, कोई थोपड़े वोपड़े चेंज किए क्या इन्होंने? नहीं नहीं, ये तो पुराने वाला क्रिस वुक्स है। तो कैरेबियन प्रीमियर लीग खोलते हैं, इसमें क्या है। प्ले कैरेबियन प्रीमियर लीग प्लेयर्स टीम प्लेयर स्टार्ट। भाई जब लोग ये टूर्नामेंट बनाते हैं ना मजा आ जाता है यार, ऑलराउंडर भर रखा है इन्होंने, मैंने को खेल के देखना है एक बार असल के साथ ना। तो लेट्स सी, अब हमें टेस्ट करने हैं कैसे कि वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर हैं वो कैसे बनाए हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि वो पावर पे ज़्यादा खेलते हैं, टाइमिंग पे कम, मतलब प्लेयर टू प्लेयर डिपेंड करता है वैसे, बट लेट्स सी वो टच जो है वो क्रिकेट 19 में आ चुका है कि नहीं। इसलिए मैं रसल और पोलार्ड की टीम सेलेक्ट करूँगा बिकॉज दे आर द ग्रेट्स अभी फिलहाल। ओवल प्रोविंस ट्रेंडविच सोफिया गार्डन, अच्छा सबीना पार्क, वो रोज बॉल, ये रहा रोज बॉल, साउथहैम्पटन का स्टेडियम यहाँ पे इन्होंने डाल दिया है, जहाँ पे WTC हुआ था जब हमने वीडियो बनाई थी तब नहीं था ये स्टेडियम, इसमें ब्रायन लारा स्टेडियम, टेरेंस सेमी क्रिकेट ग्राउंड, नाइस। बट चलो हम खेलेंगे ब्रायन लारा स्टेडियम में। भाई सुनील नारायण की जगह नहीं बन रही, मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ? ओके वैसे पोस्टर वोस्टर में भी लगा देते यार पोलार्ड वगैरह, बनता स्टार है एकदम। या लेट्स गो, तो स्टेडियम तो यहाँ पे काफी अच्छा बना दिया है, बेल्स वगैरह भी रख दी है अंपायर ने, हट। ओहो नाइस, राइट राइडर्स यहाँ पे टॉस जीत चुके हैं और हम बैटिंग लेंगे, ऑब्वियस ही बात है। थोड़ी देर बाद देखते हैं सुनील नारायण में वो बात है जो शुरुआत में आके सिक्सेस मारने वाली बात है। पहले ग्राउंडेड शॉट मारूंगा मैं, ओहो ओके ओके ओके, टाइमिंग पे यहाँ पे 4 रन आ गए हैं। अरे 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 अरे, चढ़ गई, ओ यार डैम, ये तो बहुत घटिया आउट हुआ भाई। अरे यार शरीर पे लग गई बॉल, सुनील नारायण डिपार्ट्स, शुरुआत इतनी अच्छी, अरे भाई क्या डिसीव किया है इसने, टाइमिंग थोड़ी मेरी अर्ली थी। बहुत अच्छा, कैप में जाएगा, 4 के लिए जाएगा, ये चलेगा 4 के लिए, 4 के लिए गया। ये तो भाई बाहर है, ये तो बाहर है, अरे 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 अरे, कैच दे दिया मैंने, जिनका तुक नहीं बनता था। यस, अरे आते ही 4 रन भाई। पावर प्ले की लास्ट बॉल है, उसको तो उखाड़ना पड़ेगा इस पे। अरे टप्पा पड़ गया था भाई यार, अब देखते थे टप्पा पड़ा था कि नहीं। अरे भाई कितनी उछल गई है, राइट टाइम फॉर पॉली टू कम। तो इनके पास बैट्स के लाइसेंस नहीं है जहां तक मुझे पता चल गया है, ये अंदर को आएगी और मैंने पता नहीं क्यों खेली है। ओ नाइस नाइस, थोड़ा मोमेंटम अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। 4 रन, अभी तो पॉली से पता चला, पहली 10 बोले तो पोलार्ड कुछ करेगा नहीं, मतलब आराम आराम से खेलेगा, जैसे 10 बोले 7-8 रन ही होते हैं इसके शुरुआत में, तो हम वैसा ही खेलेंगे। ये तो ग्राउंड के बाहर जानी चाहिए, डीजे ब्रावो। Yes, down the ground. एक और ओवर द टॉप मारना पड़ेगा हमें।
ये गैप में है, ये गैप में है, वाओ 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 वाओ, ये है पोलार्ड का टच, ये है पोलार्ड का टच, ये तो सिक्स है, गुड टाइमिंग पे सिक्स। यहाँ पर टाइमिंग अगेन नोट करने वाली बात है, गुड टाइमिंग पे सिक्स गया है, गुड टाइमिंग पे सिक्स गया है कि मतलब कि इन्होंने इम्प्रूव कर दिया है। पहले नहीं जाता था डाउन द ग्राउंड, बहुत मुश्किल होता था मारना, अभी तो डाउन द ग्राउंड जा रहा है, विच मीन्स अरे चार मिलेगा इस पे। ये तो निकल गई छह के लिए भाई, ये तो पोलार्ड के बैट चाहिए, ये नहीं रुक रही, एक और सिक्स, अब लग रहा है ये CPL है, तो मैं नहीं रुक रहा भाई, मैं नहीं रुक रहा, एक और सिक्स भाई, कुछ और एक और, ये निकला है सिक्स के लिए निकला है, यस। अरे यहाँ पे हक दिया था, चलो कोई बात नहीं, पॉली अपना काम कर गया। लास्ट बॉल, सेकंड लास्ट बॉल है, इस पे कुछ ट्राई करते हैं, नहीं मिला, सिंगल लेफ्ट के खुश, अगले ओवर में देख लेंगे भाई। बहुत अच्छा ओवर करा दिया इसने, नाक के नीचे से निकाल दिया ओवर, फ्लैट 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 फ्लैट, सिक्स के लिए 69 meters, अगेन डाउन द ग्राउंड, चार रन मिलेंगे इस पे, रेनिंग बाउंड्रीज यहाँ पे, अरे डिसीव कर गया, कर गया, डिसीव कर गया, डिसीव कर गया। तो गाइस अब हम जमाइका की तरफ से खेलेंगे, TKR की तरफ से नहीं, क्योंकि बैटिंग करनी है, दोनों साइड से मैं बैटिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एनालाइज करना है हर एक प्लेयर को कि भाई वो कैसा खेल रहा है बैटिंग एस्पेक्ट में। ये मत समझना कि मैं कुछ लालची हूँ बैटिंग का, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बैटिंग का कोई लालची वालची नहीं हूँ। अरे ओ भाई ब्रावो की फील्डिंग, ये तो गई चार के लिए, ये तो गई, चलो फाइनली पहली बाउंड्री यहाँ पे गाइस आ गई है, स्पिनर्स को टारगेट, अरे अरे यार चढ़ गई है, ये चढ़ गई और ब्रावो के हाथ में, ये तो बहुत प्यारी बॉल थी, चौका चौका, रुक के मारा तो चार, अरे 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 ऊपर चढ़ गई, ये तो पैड पे लग गई, उधर भी सेम ही सीन था, 22 पे दो थी, ये तो चार है भाई, ये तो चार है, टक की आवाज आई मेरे को, सुंदर है एकदम, नारा है यार, अरे 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 अरे, ये तो चूना लग गया बे, भयंकर चूना लग गया, मेरे को लगा बॉलर को टाप गई बॉल आराम से, हट यार। सो हु इज इन एक्शन, आंद्रे रसल, बैट से निकलते ही चार रन भाई, ये आया मतलब मार के ही पता चल गया था कि रसल के बैट से शॉट आया है, फ्लैट फ्लैट फ्लैट, सिक्स के लिए जाएगा रसल, भाई काफी अच्छा ओवर करा है यहाँ पे डीजे ब्रावो ने, सिर्फ एक रन खाया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, फील्डर के सर के ऊपर से, ओ नहीं सिक्स हो गया, ये सिक्स हो गया, ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, पकड़ा काफी अच्छा अटेम्प्ट यहाँ पे, पर बाउंड्री पे पैर लग गया, हवा में गैप में चार मिलेगा, यस ये पॉली बॉल के पीछे, अरे चार, चलो फाइनली ब्रावो को बाउंड्री गई, काफी वे बॉल डाल रहा है डीजे ब्रावो, बहुत मुश्किल हो रहा है खेलना, ये तो गई हवा में, ये भी गई चार के लिए, चले गई भाई, ओके टाइमिंग पे आउटफील्ड पे जा रही है, मतलब कि पावर हिटिंग तो है भाई, पॉली इन एक्शन अगेन, ओहो भाई अभी सिर्फ टाइमिंग हो नहीं रही तो आउटफील्ड में ऐसे जा रही है बॉल, समझ लो कि एक बार गुड टाइमिंग होने की देर है तो छह ही जाएगा, 50 पार्टनरशिप पूरी, ये भी ऊपर से चलेगी चार रन भाई, टाइमिंग बैठ नहीं रही है मेरे पे, ओहो सारे फिल्टर उधर डाल दिए हैं, कोई बात नहीं,
हम दो फील्डरों के कैप में मारते के चार रन के लिए भाई 50 पूरी रसल मेनिया, वैसे छोटा मेनिया कहेंगे क्योंकि चार आठ चौके आए हैं और दो छक्के आए हैं। छक्के ज़्यादा होते हैं रसल की इनिंग्स में, बट मेरे टाइमिंग ही नहीं बैठ रही आज, पता नहीं क्या हो रहा है। हर अपडेट के बाद ये गेम खेलनी डिफिकल्ट क्यों हो जाती है? पहले तो मुझे उसका जवाब दो। आ गया फाइनली सिक्स, द मोस्ट अवेटेड सिक्स। अरे ओ इंपॉर्टेंट बॉल, चलो ठीक है, चले जाएगा रसल, बट अपना काम कर गया यहाँ पे। ये देखो ये है ना, ये वी में इसरा रन आए हैं सारे। ये चढ़ गई है ऊपर, गुड टाइमिंग हुई है ब्रेथवेट के बैट। सिक्स ये ओरे आउट हो गया ब्रेथवेट। ये भी गया। हाँ भाई बोनर की स्ट्राइक ही नहीं आई कितने टाइम से, वो 14 बॉलों पे 16 रन मार के ही बैठा है, शायद विनिंग रन वही मारे। ये तो चढ़, ये सिक्स है, ये सिक्स है, बूम, चार रन रह गए जीतने के लिए। फील्डिंग पूरी खोल दी इन्होंने। ये लो विनिंग शॉट यहाँ पे बोनर के बैट से, जीत गई जमैका यहाँ पे, क्योंकि तुमको को पता है मैं चेसिंग चैंपियन इसलिए जीत ही जाना था इसमें। मैंने तो मैच देखते कौन बने, रसल ही बनेगा, आंद्रे रसल। तो गाइस ये मैच मैंने सिर्फ पावर हिटिंग टेस्ट करने के लिए किया था और रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया यार, पावर हिटिंग बहुत अच्छी कर दी उन्होंने, ब्रावो पोलार्ड ये और डीएम ब्रावो भी और आंद्रे रसल मेनली, इनके तो ओके टाइमिंग पे चार और छः रन जा रहे थे, छः रन तो गुड टाइमिंग पे तो जा रहे थे पर चार रन तो ओके टाइमिंग पे आराम से आउटफील्ड में जा रहे थे, तो मतलब कि पावर हिटिंग बढ़िया कर दी है। क्योंकि तुम लोगों को पता है कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर ज़्यादा टाइमिंग पे नहीं खेलते, उनके पास पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ जो थी क्रिकेट 19 में लैक कर रही थी अभी तक, ये पावर हिटिंग, तो अब ये जो है चीज़ इन्होंने अपडेट कर दिया, तो भाई मज़ा आ गया। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये अपडेट। बाकी जो वो 100 टूर्नामेंट है उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं, बस इतना पता है कि उसमें 100 बॉल्स होती हैं और 10 बॉलें करानी होती हैं, 10 बॉलर का ओवर होता है। और बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगला मुझे क्या खेलना चाहिए, CPL या 100। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अगली वीडियो बनाऊंगा तभी तो तुमको नोटिफिकेशन पहुंचेगा ना अगर तुम सब्सक्राइब करोगे। तो ठीक है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।